आज आरोप लगाया कि आपने 18 में गोद मंत्रालय तो बनाने की बात कर दी, आज एक और नई घोषणा कर दी। देखिए कमलनाथ की सोच हुए खा के बिल्ली हज पर चले, ये गोभक्त नकली गोभक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि आप अगर हिंदुओं का विरोध करेंगे, गौ का विरोध करेंगे तो आप जनता में टिक नहीं पाएंगे, इसलिए इनको समझ में आने लग गए। तो यही कांग्रेस है जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री, और हमने जब विधानसभा में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का कानून अशासकीय संकल्प लेकर आए बनाने का, तब कांग्रेस ने व्हिप जारी किया और गौ हत्या पर रोक न लगे, कानून न बने, इसके पक्ष में वोट दिया, यानी ये गोहत्या करवाना चाहते थे, और इसलिए 55 साल से आज किया इन्होंने गोहत्या पर रोक लगाई। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो हमने गोहत्या पर रोक लगाई, और जब मैं राजस्व मंत्री था 2005 से लेकर 8 तक, तब मैं कैबिनेट में एक विषय लेकर गया कि हर ग्राम पंचायत में गौशाला होना चाहिए, ताकि किसान जो नरबई जलाते नहीं जलाए, भूसा बनाए और गौ का गोबर गोबर का खाद मिले, मूत्र मिले, उससे दवाइयाँ बने और जैविक खेती की ओर हम अग्रसर हों, ताकि हमारी खेती की उर्वरा शक्ति बढ़ी रहे, और इसलिए 23,000 गौशालाएं जब बनेगी प्रदेश के अंदर, जब गौ माता की रक्षा होगी और हमको गोबर खाद और देसी खाद मिलेगा, और इसलिए हमने वो कानून बनाया था, और उसी कानून के तहत गाँव में हमने कलेक्टर को अधिकार दे दिए थे कि कोई भी गाँव की अगर समिति बनकर वो आवेदन करती तो निःशुल्क 5 से 10 एकड़ जमीन गौशाला के लिए उसको समिति को उपलब्ध कराई जाए। कमलनाथ जी हमने 4,000 गौशाला इस साल बना रहे। कमलनाथ जी के टाइम 20 रुपए पर गाय मिलता था पर डे, पर अभी शिवराज सिंह जी ने 1 रुपए 20 पैसे कर दिए। नहीं, उसके हम विचार कर रहे हैं, उसको पुनर्विचार